बॉयज रेडी? यस। चलो लेट्स गो। सो बाय द वे हेलो अगेन, दिस इज द डे टू ऑफ आवर बीच सफारी। आफ्टर विजिटिंग ताजपुर यस्टरडे, आज का प्लान है टू विजिट विचित्रपुर एट ओडिशा, विजिटिंग दीघा सी बीच इन ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। हम शुद्ध हजार नीला मात्र। हे कैशलेस किंड बा, कैसा छे? चलो लेट्स गो फिर। ये एक ही है ना? हाँ, 8 सीटर बोट। तो ये मिल गया विचित्रपुर का बोट राइड का टिकट। फॉर 8 सीटर इट्स लाइक 1600 एंड फॉर 6 सीटर इट्स लाइक 1200। सो रीच विचित्रपुर, इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। विचित्रपुर का दो मेन अट्रैक्शन है, लेट मी टेल यू। वन इज द बोट राइड एंड सेकंड वन इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटीफुल मैंग्रोव फॉरेस्ट, बेसिकली मैंग्रोव सैंक्चुअरी। इफ सम ऑफ माय ओडिया सब्सक्राइबर्स एंड फ्रेंड्स आर सीइंग दिस, कैन ट्रांसलेट इट फॉर मी इन द कमेंट बॉक्स। लाइक ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल कि आने से पहले थोड़ा हाई टाइड का टाइम चेक कर लो, क्योंकि यहाँ का लोकल लोगों का कहना है हाई टाइड के टाइम जो बोट राइड होता है उस टाइम पे बेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट का व्यू मिलता है। क्या क्या दिखने के लिए है यहाँ विचित्रपुर में? देखने के लिए तो मैंग्रोव का जंगल है सुंदर मंगला जी से। बोटिंग नहीं है, जाबो सुवर्णरेखा मुखे गए, बीचे नामा हबे। बीचे नामा आधा घंटा घूरबे, तारपर बोट नहीं आसबे। देखार जिनिस होलो मैंग्रोव जंगल दु साइडे, आ बीचे नामे लाल करा पाखी सुवर्णरेखा बनले जाय हुए नेचुरल व्यू। और ऐसा बोला जाता है कि हाई टाइड के टाइम जाने से अच्छा है। हां, जुआ थाकले बोटिंग चले, जुआ भाटा होले बोटिंग हबे ना। अच्छा, सो एक्चुअली वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट प्लेस। इधर से हम लोग पैदल चल के जाएंगे जहाँ से बोटिंग स्टार्ट हो रहा है। आगे और भी लोग जा रहे हैं। सो एक्चुअली वी जस्ट केम एंड रीच टू द फाइनल डेस्टिनेशन वेयर द बोटिंग विल स्टार्ट। लाइक लाइन देके सब बोट खड़े हैं और लोग भी वेट कर रहे हैं एज पर द सीक्वेंस। हम लोग का सीक्वेंस है 26, बट आई एम क्वाइट श्योर दैट इट विल बी अ फन राइड फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, तो इधर से स्टार्ट होगा बोटिंग। सो फाइनली टाइम केम फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्सपीरियंस दिस जॉय राइड। वेट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो भी यहाँ से यहाँ पे उतरने में थोड़ा बहुत रिस्क है, बट नो प्रॉब्लम आई गेस। वी विल बी स्टेइंग हियर फॉर 30 मिनट्स एंड विल एंजॉय द ब्यूटीफुल मैंग्रोव फॉरेस्ट एज़। बट इतना वाइड कन्फ्लुएंस पॉइंट मैंने लाइफ में जिंदगी में नहीं देखा है। ठीक है, दिस साइड इज द सी एंड फ्रॉम हियर द रिवर इज कमिंग एंड मीटिंग एट द दिस कन्फ्लुएंस पॉइंट। और ये सब है मैंग्रोव ट्रीज एंड बीच बीच में मेरे को छोटा मोटा रेड क्रैब भी दिख रहा है। सो जस्ट ट्राइंग टू रीच एट दैट स्पॉट। This side is the river, huh? And this side is the entire Bay of Fundy. और एक और चीज़, टाइम के साथ यहाँ पे पानी का फ्लो भी बढ़ रहा है। बहुत धूप है भाई, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ लोगों का फोटो सेशन चल रहा है। संजय डिस्कवर्ड दिस स्पॉट एंड बोल रहे हैं कि यहाँ पे फोटो सेशन करने से अच्छा आएगा, पीछे बैकग्राउंड का सी व्यू भी है। अभी जाने से पहले हम लोग इधर पे खड़े होकर फोटो ले रहे थे, तब इधर पूरा पानी पानी था। अभी पानी एकदम उधर चला गया है बिकॉज ऑफ लो टाइड। अब हाई टाइड के टाइम आओ तो आपको बहुत सारा ब्यूटी आप लोगों को दिखेगा और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। Concludes our Vichitrapur boat ride. Really, it was a super fun ride, and we all experienced a very good view of that mangrove forest. इसके लिए हम लोग आए थे basically.
सो बेसिकली यस्टरडे आई वाज राइट कंपेयर टू ताजपुर, यहाँ पे उदयपुर पे अभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो अभी कुछ मछली का प्राइस चेक करेंगे यहाँ पे। सो प्लानिंग टू हैव सम फिश? यस। कौन सा खाने का मन है? पॉम्फ्रेट का ही सोच रहे हैं अभी, देखते हैं। नहीं, कौन सा मछली है? समुद्र का चिकन है, चिंगड़ी प्रॉन। अभी तक हम लोगों ने जैसे बोला कि लंच कुछ नहीं किया, तो प्लान है कि इधर पे थोड़ा बहुत लंच का तो प्लान बन रहा है, बट मेरे को आगे जाने का बिल्कुल ही मन नहीं है क्योंकि इतना भीड़ है। So today is our last day at Tajpur. Like most of the people are moving out today for Kolkata, and myself and Pallas will be staying at Sanjay's ancestral house at Kontai for next 2 days. So hum log Sanjay ka gaadi se drive karke jayenge aur nearest jitna bhi unexplored sea beaches hai wo bhi visit karenge, uske baad hum log Kolkata jayenge. Before leaving this Mouchak resort, one thing I must say, overall experience was like average. At the same time, what I like most about this resort was like it was very much, rooms were very much spacious and neat and clean, but the foods were very much expensive compared to beachside restaurants. Chalo phir oi gaadi ke andar. क्या देखा वहाँ पे? कितना बड़ा बड़ा पॉम्फ्रेट है, देखो ये देखो पॉम्फ्रेट का साइज देखो। तो ये साइज का पॉम्फ्रेट हम लोग बीच के साइड पे खाए थे, लाइक 150 रुपए प्राइस था। ये 400 रुपए का, और ये बड़ा वाला 600 रुपए। ये किधर जा रहा है सब पार्सल होकर? किधर जा रहा है? कोलकाता वगैरह जाएगा क्या? कोलकाता तो बड़ी को लेगा, दिल्ली गुजरात सब बाहर चले जाते हैं। पूरा एकदम एक्सपोर्ट हो रहा है, पूरा एकदम पैकिंग सब बाहर। और ये है हिल्स ऑफ फिश, जिसको हम लोग इलिश माच बोल के जानते हैं। साइज देखो इसका, 1300 पर किलो, राइट? कत करे की आछे दाम सब? So right now I am just standing at Digha Mohana Point, which is also known as the Digha Confluence Point of River Champa and the Great Bay of Bengal. And I have never seen such fabulous view of any confluence point so closely. ज़रा देर रुकना ठीक नहीं है, लोग वहाँ पे गए हैं वो बात ठीक है, बट यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा है। इधर से समुंदर आके पूरा इधर से पानी उधर मार रहा है। उधर दूर देख रहे हो आप, पूरा काले घने बादल, वहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश भी चल रहा है। तो आज पूरा दिन ऐसा ही लग रहा है, वेदर रहेगा। बारिश और तेज हो गया भाई, भागो। ओके, तो गाड़ी देखना, हम लोग घूम के आते, गाड़ी छोड़ के मत जाना। तो चलो, बहुत सारा मछली है, बहुत सारा ट्रॉलर जस्ट नाउ केम फ्रॉम द सी साइड एंड दे आर जस्ट अनलोडिंग द फिशेस दैट दे हैव कॉट। क्योंकि बहुत सारे लोग दीघा, मंदारमनी ये सब जगह पे ही रुकते हैं, पर हम लोग उसका डीप में भी जाके कहाँ से ये सब मछली ये लोग पकड़ रहे हैं वो भी हम लोग ब्लॉग में दिखा रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है इसके लिए। You want to add anything? बहुत सारा मछली घर ले जा सकते हो यहाँ से। वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ से यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे सब सॉर्टिंग वॉर्टिंग होता है, वहाँ से उठाओ, बहुत अच्छा वाला मिलता है। आप समझ सकते हो जो 1300-1500 रुपए का फिश पर किलो हम लोगों ने दिखा है, वो शायद आप लोगों को 200-300 और कम मिल जाएगा इफ यू आर डायरेक्टली परचेसिंग फ्रॉम दिस पीपल। तो बेसिकली रीच एट न्यू दीघा सी बीच, थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर लो। लोग यहाँ पे नहाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हो दूर तक, बट ये एकदम सेफ नहीं है।
और ये रॉकी टेरेंस जो है ना, इसके ऊपर चढ़ने के टाइम भी थोड़ा बहुत आपको सावधानी से चलना पड़ेगा। बेसिकली इधर आप बैठे रह सकते हो और पूरा ये व्यू का मजा ले सकते हो। ये न्यू दीघा है और इधर से आप सीधा वॉक करके जाओगे, सीधा कोई डाइवर्शन नहीं, तो यू विल बी रीचिंग ओल्ड दीघा सून। ऐसा सुनने को है कि ओल्ड दीघा पे खाना और भी बढ़िया है, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर द सी फूड ऑन द बीच साइड। डन एट न्यू दीघा फॉर द नेक्स्ट स्पॉट। कितना दूर है यहाँ पे पास दीघा ना? 3-4 किलोमीटर। जस्ट नाउ रीच दैट ओल्ड दीघा सी बीच। आज बहुत ही खाली है, पार्किंग आप देख सकते हो। हम लोगों के अलावा और एक और गाड़ी है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आई एम एज्यूमिंग कि जो लास्ट साइक्लोन वेस्ट बंगाल के ऊपर से गया यश बोल के, उसके वजह से ये सारा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है, तो इधर भी काम चालू है, तो शायद बन जाएगा नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर। तो पूरा 360 डिग्री व्यू यहाँ से। Wallace was actually eagerly waiting when he will get a proper head massage. उसको अभी हेड मसाज करने वाला कोई मिल गया। Okay, so guess where we are? Currently, we are at Mandarbani Sea Beach. And plan तो नहीं था, हम लोगों ने plan को और improvise किया, all thanks to this man Sanjay. तो इसके वजह से हम लोगों ने एक चीज़ sacrifice किया, that is lunch. So you guys ready for the Mandarbani Beach view? 1, 2, 3. प्लान में ऐसा इम्प्रोवाइजेशन होना ज़रूरी है कभी कभी, बिकॉज हम लोगों का प्लान में मंदरबनी था ही नहीं, बट क्योंकि हम लोग के पास 4-व्हीलर है, थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट जाने का रास्ता जो है उधर से 7 किलोमीटर डाइवर्शन लेके हम लोग अंदर आ गए। और व्यू देखो, व्यू तो बहुत ही बढ़िया है, बीच बहुत ही क्लीन है और अच्छी तरह से मेंटेन किया है ये लोग। वैसे भी बहुत लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, आप यहाँ का यहाँ पे नहा भी सकते हो, और हम लोगों का भी नहाने का कोई प्लान नहीं है, बिकॉज लास्ट 2 दिन पे हम लोगों ने बहुत एक्टिविटी किया बीच पे। मन तो बहुत कर रहा है कि थोड़ा बहुत नहाने का, बट अभी टाइम नहीं है उतना देर यहाँ पे रुकने का। और यहाँ पे आ रहे हो तो ये स्पीड बोट का मज़ा ज़रूर लेना। स्पीड बोट पे अगर नहीं चढ़े हो तो इसका मज़ा तो आपको लेना चाहिए। जितना मैं पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ ये स्पीड बोट का, ये समुंदर का जो लहर है ये मुझे दूर फेंक रहा है, तो इसका अंदर लाइफ जैकेट्स वगैरह सब कुछ है। पूछना पड़ेगा इसका प्राइस क्या है। If I'm not wrong, ये बीच समुंदर वहाँ तक लेके जाएगा पक्का, एंड मिनिमम 15-20 मिनट का राइड तो होना ही होना है। Our day 2 at Kontai. Myself and Pala stayed yesterday at Sanjay's place, जो मेरे पीछे जो घर आपको दिख रहा है। आज हम लोग होंडा सिटी लेके नहीं जा रहे, एक बाइक मिला है, तो बाइक से हम 3 लोग जाएंगे नियरेस्ट जो 2 सी बीच है वो विजिट करेंगे। I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. So finally reached the much awaited Baguran Jalpai unexplored beach from Kontai. कल हम लोग एक्चुअली निकले थे जब, तो एक शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम लोग पूरा डेरेन पे पहुंच गए, और जब पहुंचे तो पूरा एकदम अंधेरा हो गया था चारों तरफ, तो कुछ दिखाने के लिए नहीं था। चल चल चल, एटा पिछावरी नदी। Which one? This one. पिछावरी नदी, एटा होचे समुद्र। This is Bay of Bengal. ये बाइक से हम लोग पूरा बीच के एंड टू एंड एक राउंड मारेंगे।
सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द कन्फ्लुएंस पॉइंट। हम लोग जितना दूर हो सके आगे जाने की कोशिश करेंगे बाई बाइक, एकदम सामने जाएगा, आप देख सकते हो हम लोग पहुँच ही गए। अभी हाई टाइड का टाइम हो गया क्या? और अभी हाई टाइड का टाइम है, राइट नाउ इट्स 6:15 इन द मॉर्निंग, दैट्स वाई कल हम लोग जब आए थे तो पानी इतना दूर तक नहीं था, अभी पानी बहुत अंदर तक आ गया। दिस इज द मेन रिवर, ये पूरा समुंदर का पानी ज़्यादा आके ये भर दिया। सो येस्टरडे व्हेन वी वर देयर इन दिस सेम बीच, लाइक वी ऑलमोस्ट स्पेंट अराउंड 2 आवर्स टिल 7 PM इन द इवनिंग, बट हम लोग को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि पूरा बीच में इट्स काइंड ऑफ अनएक्सप्लोर्ड प्राइवेट बीच यू कैन से। सो पूरा बीच में हम 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं था, तो हम लोगों को बीच बीच में थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि कोई नहीं है, चलो इतना देर तक रहने का ठीक नहीं है, बट इट वॉज वर्थ। मतलब आज सुबह भी आके मेरे को लग रहा है बहुत सारा सीन अंधेरे की वजह से पूरा देख नहीं पाए, बट अभी हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड जो हाई टाइड के बारे में मैं बोल रहा था, पानी धीरे धीरे करके अंदर आ रहा है, यह समुंदर का पानी है, यहाँ पे नदी का पानी से मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, थोड़े पीछे चले जाते चलो। लुक व्हाट आई गॉट, ए प्रॉपर सी शेल। दिस प्लेस इज एक्चुअली ए हब ऑफ रेड क्रैप्स, उसके अंदर पूरा रेड क्रैप्स होगा 2-3। हम लोग देख पा रहे थे लाइक बहुत दूर से चारों तरफ एकदम से रेड क्रैप से छाया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जब भी ये बाइक का साउंड सेंस कर लेते हैं ना दूर से, विद इन ए फ्यू सेकंड्स वैनिश। बोलते बोलते बाइक भी गिर गया, ठीक है, क्योंकि मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। चलो चलो, इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट पिच, दिस आर पिकअप पॉइंट। नियर राइट नाउ इज फॉर यू टू स्टे द नाइट, बट इफ यू कीप सेइंग दैट यू हैव गॉट टू लीव, देन आई एम गोना बी ऑलराइट। As long as you tell me that we ain't running out of time, thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. So Boguran Jalpai Beach cover करके हम लोग अभी आ गए हैं at Bakiput Beach। ये रास्ते पे ही आता है जब हम लोग कांथे की तरफ जाते हैं, थोड़ा diversion लेके अंदर आना पड़ता है। A sea view of Bakiput। वो साइड से हम लोग आए, उधर जो रास्ता है पेड़ के उस तरह, वो साइड से हम लोग आए। बेसिकली दिस एरियाज आर लाइक फिशरमैन्स हब, छोटा छोटा ट्रॉलर बहुत दूर वहाँ पे स्टेशन किया हुआ है, सुबह आते हैं मछली पकड़ के, और यहाँ पे मार्केट, लोकल मार्केट जितना भी है वहाँ पे सब सेल होता है। दीघा मंदरमणि तो सब लोग जाते हैं, बट ये सारा अनएक्सप्लोर्ड बीच एक दिन में पूरा कवर करने का मज़ा भी कुछ अलग है। सो विद दैट सर, आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस हैव रियली एंजॉयड दिस एंटायर बीच सीरीज ओवर द लास्ट 3-4 days at both at Kontai and Odisha, and if you are new to the channel, then do subscribe my channel The Bong Wayfarer to get notified about our upcoming exciting travel vlogs. Besides, you can follow me on Instagram as well as I am Roy 92. Till then, goodbye, take care, see you soon with yet another exciting travel vlog.